चलो जी, आज हमारे साथ हैं टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस, जो कि जिन्हें आप उड़ारिया में देख रहे हैं, निम्मो मांझी का एक किरदार निभा रही हैं और इनकी री एंट्री हो चुकी है फिर से उड़ारिया में। और आज इसी बारे में इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैम स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अदिति जी एंड बॉलीवुड स्पाई की और जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं सबको हैप्पी बैसाखी। हमारे यहाँ का सबसे जो खास त्योहार है बैसाखी वो आज है, तो जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको बस हैप्पी बैसाखी। थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ये जो अचानक से एंट्री हुई निम्बो माची की, तो ये जो वापस देखकर लोग शॉक भी हुए और खुश भी हुए कि अरे ये क्या हो गया, मतलब ये सोचा ही नहीं था किसी ने। तो आप कितनी एक्साइटेड हैं और कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है वापस से उड़ारिया में आकर? ये जो खुशी है इसको तो लफ्जों में बयान किया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा फर्स्ट सीरियल ही था उडारियां और इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। ऐसी एक पहचान जो मतलब जब मैं ऑफ स्क्रीन थी, जब मैं घर पे थी, 6 महीने मैं इसमें थी नहीं, तो जब भी लोग बाहर मिलते थे तो फटाफट से पहचान जाते थे कि माची माची, और स्पेशली रोक के मुझे कहते थे कि अपना वो डायलॉग जरूर सुनाइए, आपका तकिया कलाम हो हाय। बहुत मजा आता था। स्पेशली मैंने सरगुन मैम को भी इसके लिए थैंक्स कहा लिख के कि आपने जो करेक्टर मुझे दिया है वो घर घर में पॉपुलर और लोग मिनटों में पहचान जाते हैं माची। और जी उडारिया में वापसी मैं खुद बहुत अचानक हुई है। मतलब ऐसा हुआ कि जो सोचा भी नहीं था मैं, क्योंकि अपने किसी और काम में बिजी थी पिछले 6 महीने से, और फिर मैंने सोचा कि चलो अब एक्टिंग में दोबारा से कुछ करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बॉम्बे चलते हैं। बट इससे पहले कि मैं वहां जा पाती, कहते जी हैं ना किस्मत कनेक्ट करती है जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो, तो मेरा था कि मैं एक्टिंग में दोबारा से कुछ करूं, तो मुझे अचानक से कॉल आ गई कि आपका क्या चल रहा है अभी। मैंने कहा बस मैं प्लान कर रही हूँ मुंबई जाने का, कुछ करने का। कहते 2-3 दिन में तो आपको यहाँ वापिस बुला रहे हैं, तो आप रेडी रहिएगा। तो मेरे वाह दिमाग में मुझे कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि माची ही वापस आ रही है तो कैसे आ रही है, क्योंकि मेरी सारी फैमिली तो अब है नहीं उसमें। जी तो मेरे को तो वही था कि मैं माची ही हूं, पर हूं मैं वही। हर इस वक्त जो पॉजिटिव करेक्टर में मेरे को चेंज कर दिया गया है, तो वो जी थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं अपने दिमाग में वही माची का ही बिठा के आई थी, क्योंकि कुछ भी तब बताया नहीं गया था। तो आने जी के बाद जब स्क्रिप्ट पढ़ी और मेरे को क्रिएटिव ने समझाया कि इस वक्त माची जो है उसके बच्चे उसको छोड़ के जा चुके हैं, इस चीज का उसको एक दुख भी है, और अपनी जो उसकी तेज जबान के चलते जो वो लोगों को टॉन्च लगाती थी उस वजह से लोगों ने उसे नकार दिया, और अब वो शहर बदल के दुखियारी सी तो उस तरह की बन चुकी है बिल्कुल ही। तो वो कैरेक्टर रहेगा मेरा। अब देखो दर्शकों को वो कितना पसंद आता है या मैं कितना उसको कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बस निम्मो जो घर कर चुकी है, मैं कोशिश करूंगी इसको निकाल के थोड़ा पॉजिटिव में लाऊं, कोशिश जारी ओके है। तो मतलब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसका, जब आपका ये कैरेक्टर खत्म हुआ था उडारिया में, कि मतलब वापसी होगी, अचानक से आपको भी सरप्राइज ही मिला? बिल्कुल मेरे लिए भी सरप्राइज ही था, क्योंकि मुझे ये था, मैं तो यही सोचती थी कि संधू हाउस वाली सारी टीम अच्छी है, वो तो शादी वाले सीक्वेंस में बची रह गई, जो मेरे वृक्ष थे उनका दी एंड हो गया, तो मैं भी अब कैसी वापस आऊंगी जब वो ही नहीं है। तो मेरे को जब भी पूछते थे ना लोग बाहर कि आप कब आ रहे हो, वापस कब आ रहे हो, तो मेरे को यही समझाना पड़ता था कि भाई स्टोरी में जो मेरी फैमिली थी जब वही नहीं है तो मैं अकेली कैसे आ जाऊंगी ना। तो पर पॉजिटिव जी कुछ भी पॉसिबल है ये बात जी अब जी मुझे, कि एक्चुअली जी कुछ भी पॉजिटिव पॉसिबल है। ओके तो अभी तक नेहमत के साथ ही निम्बो माची के काफी सारे सीन्स हम देख रहे हैं, और बड़ी ही पॉजिटिव सी, जैसे आपने कह ही दिया कि कैरेक्टर पूरा चेंज हो चुका है, पूरा पॉजिटिव बन चुका है, तो वो पॉजिटिव वाइब आ भी रही है स्क्रीन पर, बहुत अच्छा लग रहा है। स्क्रीन पर तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है थैंक जी, वो ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कैसी है नेहमत के साथ? यू। ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी है वो, रियल में वो बहुत अच्छी है लड़की, और बहुत प्यार से मिलती है सेट पे, हग करके मिलती है, और जब सीन नहीं हो रहा होता तभी हम साथ ही बैठे होते हैं, गप्पे भी लड़ाते हैं, क्योंकि वो भी मतलब कहीं ना कहीं पंजाब से बिलोंग करती है, तो हम कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे की बातों को, तो ओके हंसी मजाक चलता है। बट ये एक ओके जरूर ऐसे
ऐसा जरूर है कि जो पुरानी फैमिली के साथ बॉन्ड बैठ चुका था ना, वो ऐसा एक फील था कि जैसे वाकई वो मेरी बड़ी बहन गुरप्रीत है, वो वाकई फतेह है, वो वाकई वो एक पूरा सेटल हो चुका था माहौल, और अब इस माहौल में थोड़ा सा ढलना, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। बाकी जैसे जैसे बॉन्डिंग हमारी और अच्छी होती जाएगी, स्क्रीन पे और अच्छा दिखेगा। जी, मैं इसी इसी सवाल पे आने वाली थी कि पुराने जो लोग हैं, मतलब वो हो जाता है ना, रिश्ता बन जाता है, आपने कह दिया, वो ऐसा लगता है अपनी ही फैमिली है, क्योंकि आप इतने टाइम से उन बिल्कुल लोगों के साथ हो, एक किरदार में हो। तो फतेह और तेजू को कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि फतेह तो फिलहाल वही है आसपास, लेकिन तेजू अब आ चुकी है मुंबई, तो कुछ बातचीत होती है दोनों से? मेरी तेजो के साथ एक ही बार बात हुई है, जब मैंने बिग बॉस के बाद उसको बाहर आने पर कॉन्ग्रेट्स किया, और मैंने ये भी कहा कि सभी जानते हैं कि सबकी नजरों में तुम ही विनर हो, और तुम हो जी भी। वो तो चलो, अगर हारने वाला ना हो तो जीतने वाला कहाँ से आएगा, तो हमारे लिए तो वैसे ही वो विनर है। और पूरी मुझे पता है सब लोग चाहते हैं कि सब लोग यही मानते हैं कि वो ही विनर है। सबसे ज्यादा प्यार मेरे ख्याल से आएगा सुसी को मिल रहा है, लाइम लाइट में जी सबसे ज्यादा वही है, तो वो अपने आप में जी एक विनर है। तो एक बार ही बात हो पाई, मुझे भी पता है उसका भी बिजी स्केड्यूल होगा, कुछ ना कुछ वो कर रही होगी, तो इसलिए जी मैंने ज्यादा दोबारा कॉल नहीं कर पाई। बाकी हाँ, फतेह से तो, जहान से तो सेट के बाहर कभी ना कभी उसका कोई सीन चल रहा होता है, तो हाय हेलो माची कैसे हो, तो हो ही जाता है मिलना। तो वो जी पहले भी आपको पता है कम ही बोलता था, कोई काम हो कोई बात करनी हो तो ये करते थे, तो वो जी अपने शूट में बिजी होता तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती, तो जी बस जब मिलते हैं हाय हेलो हो जाती है, तो इतनी सी बात होती है। जी जी, सेट पास पास है, पर मिस दोनों तो ऑफ अपने कोर्स अपने करती शोज में हूँ बिजी है। कि मिस तो ऑफ कोर्स करती हूँ कि क्या पता आगे चल के कुछ ऐसा हो जाए कि शायद एक फिर से ये उडारिया की वही रीयूनियन हो जाए। कुछ कह ही नहीं सकते हाँ क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लोगों का प्यार, तो क्या जी पता आगे चल के कुछ और हो जाए कि फिर से ये टीम, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक जो है खुले छूटे हुए हैं, क्या पता आगे चल के क्या होने वाला है। जी 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 वापसी हो सकती है शायद से, अगर निम्मो माझी आ गई है तो फतेह भी आ सकता है, तेजो हाँ, भी आ कोई भी सकती है। जी, फिर जी 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 सारे आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी ट्विस्ट आ सकता है कहानी में। ओके, जी तो आपके एंट्री के बाद, री एंट्री के बाद फैंस में एक ये उम्मीद भी जगी है कि आप थोड़े से जो पुराने हैं ना कच्चे चिट्ठे, उन्हें भी खोलने वाली हैं, नहमत के सामने काफी सारे खुलासे करने वाली है। ये मतलब तुक्के हैं ऑडियंस के जो लगाए जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि फतेह और तेजो का जो एक्सीडेंट रहा था, और अपनी जो जैस्मीन की सच्चाई है वो भी आप नहमत के सामने खोलने वाली है, तो कुछ ऐसा होने वाला, ऐसा ट्विस्ट कुछ आ सकता है लगता है देखिए, आपको? अभी ऐसा है कि स्टोरी मुझे भी खुद ज्यादा बताई नहीं गई है, मुझे सिर्फ इतना ही क्लियर किया गया है जब मैं आई हूँ तो, कि मेरा ब्रीफ किया गया कैरेक्टर कि मेरे साथ ये हो चुका जो मेरा हस्बैंड पहले दिखाया था, जो भी कभी कभी सीन्स में आते थे, जी वो मर चुका है, बच्चे मुझे छोड़ के जा चुके हैं, जो मेरी कनेक्टिविटी थी स्वरण घर के साथ, मेरी बेटी उधर दिखाई गई थी किरण, वो सब मुझे छोड़ जी के जा चुके हैं, मैं अकेली रह गई हूँ। और मैं एक जो लड़का है जिसने मुझे शेल्टर दिया है, मुझे काम मतलब सहारा दिया है, सरताज, उसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, तो फिलहाल मैं ओके उसको सपोर्ट कर रही हूँ, और नेहमत हमारे पास आती है, तो फिलहाल तो इनका ट्रैक और मेरा ट्रैक रहेगा। आगे चल के स्टोरी क्या रूप लेगी इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं, पर हाँ जब मुझे ये खुलासा होगा कि ये वही नेहमत है जो मेरी ही बहन की वो पोती है, तो फिर जी आगे चल के क्या आता है स्टोरी में ट्विस्ट, ये तो अभी मुझे भी बताया नहीं गया है। पर ऑफ कोर्स ऐसा ही कुछ होगा कि कुछ ना कुछ तो निमो एक कहीं ना कहीं तो दिमाग में है, अगर उसको पता चलेगा कि जैस्मिन अभी भी इसकी लाइफ में कुछ कर रही, तो हो सकता है मैं उसके प्रति, जैस्मिन के प्रति मैं फिर से ढाल बन के, क्योंकि अब मैं पॉजिटिव हूँ नेहमत के लिए, तो जी क्या पता इसके आगे मैं ढाल खड़ी हो जाऊं बन के ऑपोजिट टू जी जैस्मिन। जी जी तो मतलब ये जो किरदार आपका अब रहने वाला है, ये काफी लंबा चलने वाला है, एक एक ये भी सुकून लग रहा है मुझे यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे तो अभी, क्योंकि अगर लोग प्यार करेंगे टीआरपी ऊपर जाएगी तो ये किरदार आगे चलेगा, क्योंकि कोई भी किरदार के लंबा टिकने का रीजन वही होता है कि अगर उसके आने से लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो लोग अगर मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरा कमबैक पसंद नहीं करेंगे, ट्रैक वर्क नहीं करेगा, तो हो सकता है सीन कम हो जाए या ट्रैक खत्म हो जाए, नेहमत वापस से अपनी संधू फैमिली में चले जाए। पर अगर लोग मुझे प्यार करेंगे, मेरा करेक्टर अच्छा लगेगा लोगों को और मेरा बॉन्ड अच्छा लगेगा, तो इनफैक्ट होगा ही कि ये करेक्टर लंबा हो जाए।
नहीं, आपको प्यार मिल रहा है और आप तक मैसेजेस भी आ ही रहे होंगे क्योंकि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं ये जो ट्विस्ट आया है कहानी में, काफी अच्छा लग रहा है ये। हाँ तो नहीं है, प्यार थैंक यू तो सो मच। बहुत है। जितने भी व्यूवर्स मेरी उन्हीं से यही है कि आपका प्यार ही चाहिए, क्योंकि उडारिया मेरा फर्स्ट डेब्यू था एज एन टीवी आर्टिस्ट, मतलब इसमें टीवी मेरा पहला ही शो था, उससे पहले जी पंजाबी मूवीज ही में मैं काम कर चुकी हूँ। तो अगर आप प्यार जी करते रहेंगे, मेरा भरोसा बढ़ाएंगे, तो आगे और भी बहुत कुछ करने का आपकी वजह से मौका मिलेगा मुझे। तो प्यार देते जी रहिए, जी उसकी बहुत जरूरत है। जरूर। ओके, तो एक ये भी चीज है, फैंस का चलता रहता है क्योंकि काफी सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो के मतलब पूछा जाए स्टार कास्ट में से किसी से कि उड़ारिया का ना एक रिवाज सा बन गया है, प्रथा हो गई है उड़ारिया में कि दो प्यार करने वालों को उड़ारिया में मिलने नहीं दिया जाता। इतिहास दोहराया जा रहा है इस बार। हुआ क्या कि जैसे बिल्कुल सेम अः सिक्वेंसी, इनफैक्ट कहा भी उनको कि जो जो फतेह और तेजो की शादी या जैस्मिन की शादी में हुआ था, जी हूबहू वैसा ही हो रहा है। तो इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता ही है, और अगर मिला एक्चुअली दिया तो वो तो कहानी घर घर, जैसे शादी के बाद हैप्पी एंडिंग, फिर तो कहीं ब्रेक लग जाएगा। पर हम नहीं चाहते कि उडारिया को खत्म किया जाए, उडारिया पहुंचता जाए लोगों के दिलों में घर घर, और स्टोरी बदलती जानी चाहिए, प्यार आपका वही बरकरार रहना चाहिए। तो ट्विस्ट जी तो आते ही रहेंगे, बट आपका प्यार जी बना रहना चाहिए। जी ओके। तो उड़ारिया से जब आप गए थे और जब आप वापस आए तो बीच में काफी ज्यादा गैप रहा, तो उस दौरान क्या कुछ चीजें चल रही थी लाइफ में? उस दौरान भी मैं काफी बिजी थी, क्योंकि मैं इससे पहले जिस काम में थी एज एन फ्रीलांस एंकर, थोड़ी और ओके पॉपुलैरिटी को कैश किया मैंने, क्योंकि उड़ारियां और स्वरण घर करके गई थी, तो इवेंट्स कर रही थी लोग, मतलब कोई भी ऐसी डेट नहीं थी जो मेरे पास खाली हो। हर दिन कोई ना कोई इवेंट के लिए मेरे को लोग बुक कर रहे थे, अपने स्पेशल बनाने के लिए, अपनी वेडिंग्स को, अपने मतलब स्पेशल पार्टीज को, तो लोग इनवाइट करते थे। तो मैं काफी बिजी ही चल रही थी। इनफैक्ट जब मेरे जी को उडारिया में कम बैक के लिए कॉल आया, उससे 3 या 4 दिन पहले ही मेरे इवेंट्स फिनिश हुए थे, तो ओके कुछ बुकिंग्स आगे भी थी, तो मैंने क्लियर कर दिया था कि मेरे अभी कुछ तो अभी है, तो आपको डेट्स मैनेज करनी पड़ेंगी। कहते नहीं, हम कर लेंगे, पर आप आने की तैयारी कर लीजिए। तो यही है कि मैं काफी बिजी रही हूँ इन 6 महीनों में, बहुत बिजी रही। अब जाके 2-3 दिन जो फ्री हुई, फ्री होते ही कुछ आगे का प्लान करने लगी, और प्लान करते ही मेरे को उडारिया से, जैसे होता ना कि आपके दिल के जज्बात तार जुड़े होते हैं, भगवान सुन जी लेता है बात, तो ज्यादा मेरे को कुछ सोचना नहीं पड़ा, मेरे को झट से फिर दोबारा बुला लिया गया। तान्या के रूप में ना लोग प्रियंका का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको लगता है कुछ ऐसा हो सकता है? मैं कल ही सोच रही थी कि ऐसे बहुत सारे ट्रैक अभी खुले पड़े हैं, क्योंकि जब डेथ दिखाई गई थी वृक्ष की, तो उस टाइम उस गाड़ी में माही नहीं थी, सिमरन नहीं थी, कैंडी नहीं था, बूजो नहीं था, और तानिया का क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो जी बहुत सारे ट्रैक खुले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, तो कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। जी ओके हमारी जो कॉन्वर्सेशन रही, बार बार बिग बॉस का जिक्र आया, तो अंकित और प्रियंका तो हो आए, आपका क्या ख्याल है बिग बॉस के बारे में? देखिए, मैंने जिंदगी में बिग बॉस पहले कभी नहीं देखा, इन दोनों के लिए फर्स्ट टाइम देखा मैं, ट्रूली आपको बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले ना तो बिग बॉस के बारे में मेरे को कभी नॉलेज थी, ना ही इतना टाइम था, और ना ही मैं अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाती कि चलो ऐसा एक शो आता है, हम सब देखते हैं, क्योंकि हर किसी की अलग अलग राय है बिग बॉस को लेके। पर इस बार था कि हमारे ही लीड्स गए हैं, तो वो क्या करेंगे, क्या होगा, होता क्या है, देखते हैं। तो मेरी पूरी फैमिली ने देखा, और इनफैक्ट मेरी फैमिली से 2-3 लोग तो ऐसे जो जबरदस्त मुझे कह रहे हैं कि तू भी जा, तो मैंने उन्हें कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मुझे बुलाएंगे तो मैं भागी दौड़ी चली जाऊंगी, पर मेरे जी हाथ में नहीं है जाना। अब ऑडियंस चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर बिग बॉस सुन रहे हैं तो प्लीज वो जरूर बुलाए मुझे। जी इसका मतलब आपकी तरफ से हाँ है, बस सब वो बोलते ना इनविटेशन आने की देरी बिल्कुल बिल्कुल जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड एक शॉर्ट नोटिस पर ही इंटरव्यू फाइनलाइज किया हमने, थैंक यू सो मच आने के लिए। नहीं, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे फिर से अपने दर्शकों के रूबरू होने का मौका दिया, जो मुझे सुन रहे हैं, जी उनसे और प्यार की उम्मीद करती हूँ। बस आपकी माछी वापस आई है, क्या पता आपकी डिमांड्स हो या मेकर्स को लगा हो कि लोगों को ये ट्विस्ट देना चाहिए, माछी को लाना चाहिए, तो दोनों का ही थैंक्स करना चाहूंगी यहाँ पे, मेकर्स का, पूरी टीम का, सरगुन मैम, रवि सर, और एंटायर टीम उडारियां, मेरे को स्टार, मेरे को आर्टिस्ट सभी का, और स्पेशली हमारे फैंस जिन्होंने उडारिया को अभी तक जिंदा रखा है।
थैंक यू सो मच।